हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुमित कुमार है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग लेट लॉन्ग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अपने आर्क जीआईएस में, कि मतलब जो लेट लॉन्ग की वैल्यू है उनको आर्क जीआईएस में लाके कैसे आप प्लॉट कर सकते हैं और उस पर कैसे मैप क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और, लेट लॉन्ग को इसमें लाने से पहले आपको एक्सेल सीट समझनी होगी। अगर आप एक्सेल सीट नहीं समझ पा रहे हैं कैसे उसको बनाना है, कैसे प्रिपेयर करना है इसके लिए, इसमें लेट लॉन्ग की वैल्यू लाने के लिए, तो आप इसमें नहीं ला पाएंगे। तो जो लोग अभी शुरुआत किए हैं, जो बिगिनर्स हैं, वो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, उनको अच्छे से समझ में आएगा। और मैं यही कोशिश करूंगा कि बिगनर्स को ज़रूर समझ में आए, क्योंकि समस्याएं जो होती हैं वो बिगनर्स को ही होती हैं, बाकी ऑलमोस्ट जो लोग जानते हैं वो तो कर ही लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं अपनी एक्सेल शीट में। तो देखिए, ये हमारी एक्सेल शीट है जिसमें हमारे पास लेट की वैल्यू ये है, लेटिट्यूड की वैल्यू ये वो दिया हुआ है, और लॉन्गिट्यूड की वैल्यू ये दी हुई है, एलिवेशन दिया हुआ है, रेनफॉल दिया हुआ है एमएम में, और स्टेशन नेम दिया हुआ है। ये मैंने इतनी छोटी सी एक सीट ले रखी है आपको समझाने के लिए। तो देखिए, इसमें होता क्या है कि आप जो ये लेट लॉन्ग की वैल्यू हैं, ये पॉइंट के बाद एटलीस्ट 4 डिजिट तो होने चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं मेरे में ये कहीं पे 4 हैं तो कहीं पे 5 हैं, देखिए ए डिजिट के बाद। तो जैसे देख सकते हैं आप बिल्कुल लास्ट में नीचे देखिए, यहाँ पे ये 4 ही डिजिट है, ऊपर 5 है। तो कहने का मतलब ये है, जो लेट लॉन्ग की वैल्यू लीजिए वो पॉइंट के बाद 4 डिजिट एटलीस्ट होने चाहिए। 4 से कम रहेगा तो फिर वो दिक्कत करेगा, ठीक। एक तो ये बात हो गया। फिर उसके बाद दूसरी बात ये कि इसमें कहीं पे कोई स्पेस नहीं देना है आपको, जो भी लिखना है प्रॉपर लिखना है। ऐसा नहीं कि कोई नाम लिखे, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा स्टेशन नेम, तो स्टेशन नेम की जगह पे बीच में आप अगर स्पेस दे देंगे तो भी आर जी आई इसमें नहीं लेगा। तो जो मेन काम है वो इस एक्सेल शीट को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना, यही सबसे बड़ा काम है। अगर ये अच्छे से रहेगी, प्रिपेयर रहेगी, तो मतलब आपके आसानी से लेट लॉन्ग की वैल्यू उसमें आ जाएंगी। करना क्या है, इसमें कोई कलाकारी नहीं करनी है, मतलब जो जैसा है उसको वैसे ही रहने देना है। जैसे लेट लॉन्ग की वैल्यू 4 डिजिट के बाद 4 डिजिट तक होना चाहिए, और ये जो भी नाम लिखो आप, लेट लॉन्ग या एलिवेशन, रेनफॉल, स्टेशन, कुछ भी लिखो, तो उसमें कहीं कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। ये लेटर्स जो हैं इनमें कोई कलाकारी नहीं करना है, जो जैसा फॉर्मेट एक्सेल ले रहा है उसी फॉर्मेट में रखना है, बस इतना सा काम करना है इसमें आपको। तो चलिए हम इसको अब क्लोज कर देते हैं और आर जी आई एस सॉफ्टवेयर में चलते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हम अपने सॉफ्टवेयर में हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमको अपनी वो बाउंड्री ले लेनी है जिस बाउंड्री के अंदर वो लेट लॉन्ग आते हैं। तो हम एक वाटर सेट का लिए हुए हैं, तो हम अपने एक वाटर सेट की बाउंड्री ले रहे हैं। तो देखिए, हमारी मतलब जो आउटलाइन है वो आ गई, जो मतलब बाउंड्री है हमें जिसके अंदर इसको लेके आने हैं लेट लॉन्ग के वैल्यू, तो वो देखिए यहाँ पे आ चुकी है। तो इसको हम होलो करके आपको दिखाते हैं, देखिए ये हमारी बाउंड्री आ चुकी है। अच्छा, एक चीज़ और समझिए, देखिए आएगा नहीं लेट लॉन्ग इसके बाउंड्री के अंदर अगर आप जरा भी जल्दबाजी करेंगे वीडियो में। देखिए ये जो यहाँ पे दिखा रहा है वैल्यू, ये मीटर्स में दिखा रहा है। देखिए हम कर्सर मूव कर रहे हैं तो वो यहाँ पे ये मीटर्स में दिखा रहा है। तो ये कभी ज़िंदगी में आप नहीं एक पे ला पाएंगे, चाहे जितने भी मेहनत कर लीजिए, चाहे जैसा भी प्रोजेक्शन कर लीजिए। तो हमको इसको सुधारने के लिए क्या करना है, हमको ये जो वैल्यू यहाँ मीटर में दिखा रहा है ये पहले हमको डिग्री डेसिमल में लानी है। तो डिग्री डेसिमल में लाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली सा हम आसान भाषा में आपको एक काम बताते हैं, वो करिए आ जाएगा। आपके पास कोई भी डेम फाइल हो या कुछ भी हो, उसको आप इसमें ऐड कर दीजिए, आपका सिंपली आ जाएगा। जैसे देखिए, मैं इसमें गया और ये डेम फाइल को एक ऐड कर दिया, तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने डेम फाइल इसमें ऐड की, उसके बाद भी ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट इसका चेंज नहीं हुआ, मीटर में ही दिखा रहा है।
तो मतलब कि हम लोग लाख कोशिश कर लें तब भी वो लेट लॉन्ग वैल्यू इसकी बाउंड्री के अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि जब तक ये लेयर नहीं सही होगी तब तक वो पॉइंट आएंगे नहीं लेट लॉन्ग के वैल्यू। तो अब हम अगर इसके डाटा फ्रेम में जाएंगे और वहां से सेटिंग में जाएंगे तो उसकी वही सेटिंग दिखाएगा जो हमको चाहिए। देखिए WGS 1984 UTM जोन 44 में एरिया आती है उसी में दिखा रहा, लेकिन ये मीटर में ही दिखा रहा, डिग्री डेसिमल में नहीं आ रहा। तो अब हम क्या करेंगे, हम आर्क ये क्लोज कर देंगे सॉफ्टवेयर, फिर से ओपन करेंगे जिसमें हम सबसे पहले डेम फाइल को इनपुट करेंगे, तब इसकी प्रॉपर्टी डिग्री डेसिमल में आएगी, उसके बाद हम इस वाली अपनी लेयर को जोड़ेंगे, फिर इस वाली को रिमूव कर लेंगे, इतना काम करेंगे। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। नो, देखिए जैसे अब मैंने फिर से इसको ओपन किया तो अभी भी ये अननोन दिखा रहा है, डिग्री अननोन। तो अब हम पहले सबसे जो करेंगे वो इसमें हम डेम फाइल ऐड करेंगे इसकी प्रॉपर्टी सुधारने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने ये डेम फाइल ऐड कर ली इसमें पहले, तब ये डिग्री डेसिमल में आ गया, पहले नहीं आ रहा था। वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको हर एक स्टेप हर एक चीज बताएंगे, हर समस्या बताएंगे, लेकिन वीडियो को आप पूरा देखते रहिए। तो आपने देखा कि जैसे ये डिग्री डेसिमल में आ गया, तो अब हमको क्या करना है, अब अपनी हमारी वो वाली फाइल ऐड कर लेनी है जो हमको लेट लॉन्ग के लिए चाहिए। तो हमारी ये फाइल थी, इसको मैं ऐड कर लिया। देखिए अब इसको जूम टू लेयर करते हैं, सॉरी ये देखिए जूम टू लेयर किए, ये हमारी आ गई बाउंड्री। अब देखिए, आप देखिए अब ये कोऑर्डिनेट चल रहा है, अब ये डिग्री डेसिमल में दिखा रहा है। अब हम इसमें अपने लेट लॉन्ग की वैल्यू ऐड करेंगे, मतलब मेन जो है वो अपनी जो भी हमारी बाउंड्री है उसको सही से डिस्प्ले पे ले आना। देखिए जैसे अब की ये हमारी आ चुकी है तो ये डिग्री डेसिमल में हो रहा है, और हम कर्सर मूव कर रहे हैं तो इधर उधर ये लेट लॉन्ग भी मूव हो रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, चलेंगे फाइल में डाटा पे जाएंगे, डाटा पे जाने के बाद इधर देखेंगे आप लिखा होगा एड एक्स वाई डाटा, इस पे क्लिक किए करेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे इस फाइल पे, तो इस पे जो हमारी जहाँ भी डाटा हो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे ये मेरा वाटर के नाम से ये डाटा है तो मैं इस पे क्लिक कर लिया। तो इसमें आप सीट मांग रहा है, तो सीट मतलब जो एक्सेल की सीट थी वो फर्स्ट सीट पे मेरा था, तो मैं फर्स्ट पे ऐड कर दिया इसको। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया उसके बाद ये एक्स की जगह पे लॉन्गिट्यूड की वैल्यू आ गई, वाई की जगह पे लेटिट्यूड की वैल्यू आ गई, ठीक है। और यहाँ पे जेड में आपके पास, मैंने देखिए अपनी टेबल में आपको दिखाया था कि मेरे पास एलिवेशन है, तो एलिवेशन ये दिखा रहा है यहाँ पे। तो अगर आपको चाहिए तो आप एलिवेशन भी ले सकते हैं, जो भी ले सकते हैं, या रेनफॉल भी था मेरे पास, रेनफॉल का लेना चाहते हैं तो वो ले सकते थे। और दूसरी बात यहाँ पे अब ये जाके ये अपने आप ही जहां पर भी होगा प्रोजेक्शन अपने आप ले लेगा, यहाँ से आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी, बस सिंपल सा क्लिक कर देना है। ओके, देखिए आप देख रहे हैं बिल्कुल सटीक आ गए सारे पॉइंट, कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो अब आप हम अपनी ये वाली जो है इसको आप रिमूव कर दीजिए, ये आपकी है, आराम से आप इस पे जो भी आपको करना हो काम करिए। देखिए आराम से जूम होगा, सब कुछ होगा, सारे कोऑर्डिनेट डिग्री डेसिमल सब सही है, बिल्कुल अच्छा फर्स्ट क्लास है। और अगर जो मैंने जैसे करके बताया, अगर बस आपका एक ही बार में हो जाता है सीधा डिग्री डेसिमल में ही आता है तो वो सब करने की जरूरत नहीं है। ये मैं इसलिए बता दिया हूँ कि क्योंकि कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि मतलब हम लोग लेट लॉन्ग डालते हैं वो कहीं अंत जाते हैं, बाउंड्री होती है वो कहीं अंत जाती है, तो उस कंडीशन में हम उसको एक पे नहीं ला पाते हैं, प्रोजेक्शन करते हैं लेकिन वो आती नहीं है। तो हमने उसका सही सा सलूशन यही आपको बताया कि अगर आपका अननोन कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिखा रहा है जब आप अपनी फाइल ऐड कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप कोई ऐसी फाइल ऐड कर दीजिए जो डिग्री डेसिमल में हो, फिर उसके बाद आप अपनी फाइल ऐड करिए तो वो डिग्री डेसिमल में आ जाएगी, उसके बाद आप अपनी लेट लॉन्ग की वैल्यू इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप इसमें कर सकते हैं। और
एक्सल की सीट बनाने में सावधानी मैंने बताई कि आपको उसमें देखना है कहीं कोई स्पेस ना हो, लेट लॉन्ग की वैल्यू डिजिट के बाद बहुत ज़्यादा कम ना होनी चाहिए, इस सब टाइप की आपको मतलब ध्यान देना है। अच्छा दोस्तों, मैं अब इसी काम को अगले नेक्स्ट वीडियो में IWD और क्रैकिंग करके बताऊंगा कि आप लोग कैसे इंटरपोलेशन कर सकते हैं, मतलब IW को यूज कर सकते हैं या क्रैकिंग को यूज कर सकते हैं।